बीते 31 अगस्त को राजपुरा के विश्वकर्मा चौक के निकट मौजूद झुग्गी से लापता हुए 11 महीने के बच्चे की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के अनुसार बच्चे को उसी के पिता के सगे मामा ने जान से मारकर उसकी लाश को झुग्गी के पीछे ही जमीन में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। दोषी की निशानदेही पर पुलिस ने झोपड़ी के पीछे दबाए गए बच्चे के शव को भी बरामद कर लिया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए राजपुरा के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी गुरजीत सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता पूरन के मामा बंसी के अपने ही भांजे की पत्नी के साथ अवैध संबंध कायम थे। 31 अगस्त की शाम बंसी पूरन के घर पर आया और उक्त बच्चे कमल को अगवा कर ले गया। बाद में बच्चे को मारकर झुग्गी के पास ही जमीन में दबा दिया। फिलहाल पुलिस ने दोषी पर बनता मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजपुरा से भारत सूद के साथ कैमरामैन अभिषेक सूद की रिपोर्ट। सगा मामा था बेटा तो कौन शक करता है मामे पे, उस सगे मामे ने भी ऐसा काम कर दिया। अच्छा नहीं किया ये काम, बच्चे को मार मार के पीछे झाड़ियों में डाल दिया है। पकड़ाया वो पकड़ के पूरी पुलिस ने बहुत कार्रवाई करके फिर पकड़ के फिर लाया, फिर बताया 3-4 दिन हुआ जब लाश मिला है। ना गंगाराम जी, गंगाराम ते अपने लुधियाना जिला है अपना, ते सानू पता लगे जी खबर दा बच्चे दा बारे, ते असीं आए हैं जी, ते उन्हें पूछा जी मामा सीगा था जाने के, ते मामा ने पूछा मामा तो मुकर के कहता मैं कोई किता नहीं जी, इंक्वायरी इतना चलती मैं कुछ किता नहीं गई, वो डैडी भी है मेरा मुंडा कसूर बाद उल्टा धमकिया दे रहा है। काफ़ी दिन 2 दिन तो लगातार लगे हुए हैं, तो ये सानू पता लग गया भी यदा जरा छोटा बच्चा कमल है वह फादर है पूर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਇਲੀਸ ਬੱਚੀ ਬੰਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ। ਜੁਰਮ 302 APC ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦਿਵਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਤਾ। ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ